सर, सत्र समाप्त हो गया, ट्रिपल तलाक स्टैंडिंग कमेटी के चक्कर में लटक गया। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा ने बड़े उत्साहपूर्वक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए लोकसभा में सर्वसम्मति से बिल पास करके राज्यसभा में भेजा, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस की और अन्य विपक्षी पार्टियां जो मुस्लिम महिलाओं के हितों का ध्यान नहीं रखती और दोगलग रवैया रखती है, वो रवैया वहां उनका साफ दिखाई दिया और उन्होंने जनता के सामने बहस करने से बचने के लिए महिला संरक्षण का जो बिल था, ट्रिपल तलाक के बिल को उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में और आगे भेजने की बात की, ताकि उनको जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब होने से बच सके। मैं सोचता हूँ कि आज जो दल मुस्लिम महिलाओं के हितों के लिए साथ नहीं दे रहा है, ये उनके लिए बड़ा शोचनीय विषय है, शर्मिंदगी का विषय है। आज पूरे देश की महिलाएं इस चीज़ को बड़े गौर से देख रही है, विशेष तौर से मुस्लिम महिलाएं। आने वाले समय में देश के लोकतंत्र में जिस तरीके से जो पार्टियां महिलाओं में भी भेदभाव करती है, महिलाओं के हितों के साथ नहीं खड़ी है, निश्चित रूप से जनता इस चीज़ को गौर कर रही है और महिलाएँ इस चीज़ को गंभीरता से लेंगी। आने वाले समय में उनको पता चलेगा कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी अब इस तरीके से पिछड़ी नहीं रहेंगी, अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे लड़ेंगी। सरकार इस पे आगे क्या कदम उठाएगी? निश्चित रूप से राज्यसभा में दोबारा ये बिल, जब संसद का सत्र चलेगा, जब लाया जाएगा, दोबारा विपक्षी दलों से जो साथ नहीं दे रहे हैं उनसे अपील की जाएगी कि मुस्लिम महिलाओं के हित के लिए इस ट्रिपल तलाक के बिल का समर्थन किया जाए और इसको राज्यसभा से पास कर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजा जाए, ताकि मुस्लिम महिलाओं का हक जल्द से जल्द उनको मिले। जिस ढंग से जिग्नेश और उमर खालिद का स्टेटमेंट रहा है, आज भी जिग्नेश बहुत ज़्यादा बोले शब्द उपयोग किए हैं प्रेस क्लब में, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से जातिवाद की और नफरत की राजनीति जिग्नेश जी कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि वो न सिर्फ दलित समाज का अहित कर रहे हैं बल्कि उन सभी लोगों का भी अहित कर रहे हैं जिन्होंने उनको विधानसभा में चुनकर भेजा है। और ऐसी राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती है। नफरत की राजनीति से, द्वेष की राजनीति से आप थोड़े समय के लिए लोकप्रियता और कोई पद हासिल कर सकते हैं, लंबे समय में आपकी जो सच्चाई है वही जनता के सामने आएगी। मैं सोचता हूँ इसके बजाय उनको रचनात्मक राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। जिस ढंग से आप उनका नाम के साथ जी का उपयोग किया, वहीं भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनके नामों को सही उपयोग नहीं करते, अपशब्द काफ़ी उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री को लेकर। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरे संस्कार है कि मेरी पार्टी प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करती है, लोकतंत्र में उस प्रत्येक देशवासी का, भारतवासी का सम्मान करती है, और जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उनका तो सम्मान होना हमारा धर्म है कि हम उनका सम्मान करें। वो करते हैं या नहीं करते हैं ये उनकी पार्टी की या उनके निजी संस्कारों की बात है। मैं सोचता हूँ कि उनको देश की मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। जनप्रतिनिधियों के, विशेष तौर से भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अगर उनके जबान से सम्मान नहीं कोई शब्द निकलते हैं तो प्रधानमंत्री के लिए नहीं उनके लिए भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ये सत्र कितना सफल रहा? निश्चित रूप से बहुत सफल रहा, विशेष तौर से लोकसभा में जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ है, लोकसभा में बड़े महत्वपूर्ण अन्य जो बिल पास हुए हैं, लगभग 12 बिल लोकसभा में पास हुए हैं। मैं सोचता हूँ बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहा, इतना छोटा सत्र होने के बावजूद भी इतना अच्छा कार्य हुआ, तो मैं बधाई देता हूँ सभी सांसद सदस्यों को, जिस तरीके से उन्हें सक्रियता से भाग लिया, सब बधाई के पात्र हैं।